ये अजीब सी बात है, जिन्ना की मुस्लिम लीग अलग है और यहाँ केरल में मुस्लिम लीग है वो अलग है। और वो यदि वहाँ के मुस्लिम लीग है पाकिस्तान वाले, तो आज तक के तो उसके रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता है। लेकिन दिग्भ्रमित करने के लिए लगातार इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ है, पहले जब राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष थे तब कहते परिवारवाद चला रहे हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद त्याग दिया। उसके बाद भी राहुल गांधी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई और भारत जोड़ो यात्रा में निकले तो उन्होंने उनकी सदस्यता ले ली। मतलब अभी तक के हिंदुस्तान में डिफेमेशन केस में इतनी बड़ी सज़ा किसी को नहीं मिली है जितना राहुल गांधी जी को दिया गया। आज तो एक सामान्य नागरिक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी की इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मतलब खुद ही मानते हैं कि राहुल गांधी जी ही देश के सबसे बड़े नेता हैं और इस कारण से पूरे केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अब तो मोहन भागवत जी भी कूद पड़े हैं। तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि विदेश में जाकर जो देश के क्या शब्द प्रयोग किए, देश के अपमान करते हैं तो वो देश विरोधी हैं। तो सबसे पहले मोहन भागवत जी जब प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर ये कहते हैं कि भारत में पैदा होना दुर्भाग्य की बात है, ये उन्होंने कहा था, हमारे कार्ड कहा था, विदेश में जाकर कहा था, तब मोहन भागवत जी क्या कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे? तब उनको नहीं बताना था कि ये भारत का अपमान है, देश का अपमान है? और उस समय यदि बोले होते तब बात समझ आती। मोहन भागवत जी आप सांस्कृतिक संगठन के अध्यक्ष हैं, आपसे उम्मीद की जाती है आप निष्पक्ष रहे हैं, आप निष्पक्ष दिखने के भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।